हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को भ्रष्टाचार की समस्या पर निबंध बताऊंगा तथा इस निबंध के साथ साथ आप लोगों को वीडियो के अंत में भ्रष्टाचार की कहानी पर एक वीडियो देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखना ताकि आप लोग परीक्षा में आने पर इस निबंध को आसानी से लिख सकें। तो आइए हम ज्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहली हेडिंग है प्रस्तावना। प्रस्तावना के अंतर्गत हमें लिखना होगा, भ्रष्टाचार शब्द संस्कृत के भ्रष्ट शब्द के साथ आचार शब्द के योग से निष्पन्न हुआ है, यानी भ्रष्टाचार दो शब्दों के योग से मिलकर बना हुआ है, भ्रष्ट और आचार, जिसमें से भ्रष्ट का अर्थ है अपने स्थान से गिरा हुआ अर्थात विचलित होना, और आचार का अर्थ है आचरण या व्यवहार। इस प्रकार किसी व्यक्ति द्वारा अपनी गरिमा से गिरकर अपने कर्तव्यों के विपरीत किया गया आचरण भ्रष्टाचार है, यानी किसी व्यक्ति द्वारा अपनी गरिमा से गिरकर अपने कर्तव्यों के विपरीत किया गया आचरण भ्रष्टाचार है। अगली हेडिंग है भ्रष्टाचार के विविध रूप। अब भ्रष्टाचार के विविध रूप कौन कौन से हैं? वर्तमान में भ्रष्टाचार इतना व्यापक है कि उसके विविध रूप देखने में आते हैं, यानी भ्रष्टाचार इतना फैल चुका है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है, जिनमें से कुछ मुख्य प्रकार निम्न है। पहला प्रकार है रिश्वत। रिश्वत को हम दूसरे शब्दों में सुविधा शुल्क भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत में लिखना है, किसी कार्य को करने के लिए किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा लिया गया उपहार, सुविधा अथवा नकद धनराशि को रिश्वत कहा जाता है, यानी किसी कार्य को करने के लिए किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा लिया गया उपहार, सुविधा अथवा नकद धनराशि को रिश्वत कहा जाता है। इसी को साधारण भाषा में घूस और सभ्य भाषा में सुविधा शुल्क भी कहा जाता है। यानी जो लोग रिश्वत का अर्थ नहीं समझ रहे हैं, रिश्वत को हम आम भाषा में घूस भी कहते हैं। घूस तो सभी लोग जानते ही होंगे, ठीक है। और अपने कार्य को समय से और बिना किसी परेशानी के कराने के लिए अथवा नियमों के विपरीत कार्य कराने के लिए आज लोग सहर्ष रिश्वत देते हैं। यानी व्यक्तियों को कोई भी कार्य कराना हो तो वह बिना परेशानी के सहर्ष पूर्वक यानी खुशी से वह रिश्वत दे देता है ताकि उसका कार्य आसानी से हो सके। और सेकेंड है कमीशन। कमीशन भी रिश्वत से मिलता जुलता है। कमीशन क्या है? कमीशन है किसी विशेष उत्पाद अथवा सेवा के सौदों में किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा सौदे के बदले में विक्रेता अथवा सुविधा प्रदाता से कुल सौदे के मूल्य का एक निश्चित प्रतिशत प्राप्त करना कमीशन है। आज सरकारी, अर्ध सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र के अधिकांश सौदों अथवा ठेकों में कमीशनबाजी का वर्चस्व है, यानी कहीं न कहीं कमीशन का वर्चस्व फैला हुआ है। और अगला है यौन शोषण। यह भ्रष्टाचार का सर्वथा नवीन रूप है। इसमें प्रभावशाली व्यक्ति विपरीत लिंग के व्यक्ति को अपने प्रभाव का प्रयोग करते हुए अनुचित लाभ पहुंचाने के बदले उसका यौन शोषण करता है। अगला भ्रष्टाचार के कारण। अब भ्रष्टाचार के कारण कौन कौन से हैं? तो भ्रष्टाचार के यद्यपि अनेकानेक कारण हैं, जिनमें से कुछ कारण इस प्रकार हैं। पहला है महंगी शिक्षा। महंगी शिक्षा के अंतर्गत में लिखना होगा, शिक्षा के व्यवसायीकरण ने उसे अत्यधिक महंगा कर दिया है। आज जब एक युवा शिक्षा पर लाखों रुपए खर्च करके किसी पद पर पहुंचता है तो उसका सबसे पहला लक्ष्य यही होता है कि उसने अपनी शिक्षा पर जो खर्च किया है उसे किसी भी उचित या अनुचित रूप से
ब्याज सहित वसूले और उसकी यही सोच उसे भ्रष्टाचार के दलदल में धकेल देती है। यानी जब एक युवा शिक्षा पर लाखों रुपए खर्च करके किसी पद पर पहुंच जाता है तो उसका सबसे पहला यही लक्ष्य होता है कि उसने अपनी शिक्षा पर जो रुपए खर्च किए थे उसे किसी भी प्रकार से उचित हो या अनुचित रूप से ब्याज सहित उन रुपयों को वसूले, यही उसका लक्ष्य होता है। अगला है जन जागरण का अभाव। जन जागरण का अभाव क्या है? हमारे देश की बहुसंख्यक जनता अपने अधिकारों से अनभिज्ञ है, जिसका लाभ उठाकर प्रभावशाली लोग उसका शोषण करते रहे हैं। अगला विलासितापूर्ण आधुनिक जीवन शैली। पाश्चात्य सभ्यता की विलासितापूर्ण जीवन शैली ने अपनी चकाचौंध से युवा वर्ग को अत्यधिक प्रभावित किया है, जिस कारण वह शीघ्र भोग विलास के सभी साधनों को प्राप्त करके जीवन के समस्त सुख प्राप्त करने का मोह नहीं छोड़ पाता, उचित अनुचित हथकंडे अपनाकर विलासता के समस्त साधनों को प्राप्त करने में जुट जाता है। यानी पाश्चात्य सभ्यता के विलासतापूर्ण जीवन शैली ने अपनी चकाचौंध से युवा वर्ग को यानी नई पीढ़ी को अत्यधिक प्रभावित कर लिया है, जिस कारण वह शीघ्र अतिशीघ्र भोग विलास के सभी साधनों को प्राप्त करके जीवन के समस्त सुख प्राप्त करने का मोह नहीं त्याग पाता, उचित अनुचित हथकंडे अपनाकर यानी जो उचित हो या अनुचित सभी प्रकार के हथकंडे अपनाकर विलासता के समस्त साधनों को प्राप्त करने में लग जाता है, यानी जुट जाता है। अगला जीवन मूल्यों का ह्रास और चारित्रिक पतन। इसके अंतर्गत हमें लिखना है, आज व्यक्ति के जीवन से मानवीय मूल्यों का इतना ह्रास हो गया है कि उसे उचित अनुचित का भेद ही नहीं दिखाई देता। जीवन मूल्यों के इसी ह्रास ने व्यक्ति का चारित्रिक पतन कर दिया है। दुष्चरित्र व्यक्ति भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, यानी चरित्रहीन व्यक्ति ही भ्रष्टाचार को अत्यधिक बढ़ावा देते हैं, वे ही अत्यधिक भ्रष्टाचार फैलाते हैं। अगला है भ्रष्टाचार दूर करने के उपाय। इसके अंतर्गत में लिखना है, भ्रष्टाचार को दूर करने के कुछ मुख्य उपाय निम्न प्रकार से हैं। पहला जन आंदोलन। जन आंदोलन क्या है? भ्रष्टाचार को रोकने का सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण उपाय जन आंदोलन है। जन आंदोलन, जन आंदोलन के द्वारा लोगों को उनके अधिकारों का ज्ञान कराकर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है, अंकुश यानी रोक लगाया जा सकता है। और कठोर कानून क्या है? कठोर कानून बनाकर भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सकती है, यानी कठोर कानून बनाकर भ्रष्टाचार पर बहुत ही सख्ती के साथ उस पर अंकुश लगाया जा सकता है। यदि लोगों को पता हो कि भ्रष्टाचार करने वाला कोई भी व्यक्ति सजा से नहीं बच सकता तो प्रत्येक व्यक्ति अनुचित कार्य करने से पहले 1000 बार सोचेगा। और निःशुल्क उच्च शिक्षा। भ्रष्टाचार पर पूरी तरह अंकुश तभी लगाया जा सकता है जब देश के प्रत्येक युवा को निःशुल्क उच्च शिक्षा का अधिकार प्राप्त होगा। यानी भ्रष्टाचार पर पूरी तरह तभी रोक लगाई जा सकती है जब देश के प्रत्येक युवा को निःशुल्क यानी बिना शुल्क के उच्च शिक्षा का अधिकार प्राप्त होगा। और अगला है नैतिक मूल्यों की स्थापना। नैतिक मूल्यों की स्थापना करके भी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है। तो मित्रों, आइए अब आप लोगों को इस निबंध का निष्कर्ष बता देते हैं, यानी इस पूरे निबंध का उपसंहार यानी निष्कर्ष क्या निकला। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यही है कि संक्षेप में भ्रष्टाचार के कारण जहां लोगों का नैतिक एवं चारित्रिक पतन हुआ है, वहीं दूसरी ओर देश को आर्थिक क्षति भी उठानी पड़ी है। भ्रष्टाचार देश के लिए कलंक है, यानी भ्रष्टाचार जो है वह पूरे देश के लिए कलंक है और इसे मिटाए बिना देश की वास्तविक प्रगति संभव नहीं है। यानी भ्रष्टाचार होने पर देश का विकास कतई नहीं हो सकता। यानी
भ्रष्टाचार होने पर देश का पूर्णतः विकास नहीं हो सकता, इसलिए सभी लोग भ्रष्टाचार को मिटाने का प्रयत्न करें, प्रयास करें। अब आप लोग भ्रष्टाचार पर एक वीडियो देख लें, जिससे इस वीडियो की सहायता से आप लोगों को सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे जो मैंने इस निबंध में बताया है। तो इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आदि, पता है सिक्योरिटी गार्ड को बंदूक का लाइसेंस मिल गया है, हमारे स्कूल की सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। क्या? वो तो डरपोक है, उसे तो बंदूक देखते ही डर लगता था, वो कैसे संभाल पाएगा? उसके पास लाइसेंस जो है तो बंदूक चलाना आता ही होगा ना? मैं उसे जानता हूँ, उसने जरूर कोई चक्कर चलाया होगा। हाँ दी, वो कह रहा था जिसके पास बंदूक का लाइसेंस है उसे पगार ज्यादा मिलता है। मोटू, पता है उसे बंदूक चलाना नहीं आता होगा तो वो अपनी और हम सब की जिंदगी खतरे में डाल सकता है। सुनो, मैं तुम्हें एक लोभी नेता की कहानी सुनाता हूँ। लोभी नेता जी? हाँ हाँ, सुनाओ ना सुनाओ, बड़ा मजा आएगा। तो सुनो, एक नेताजी थे, वे बड़े ही लालची थे। आज तो भाई मजा आ गया। आज मैंने बहुत पैसे कमाए। नमस्ते सर, नमस्ते, नमस्ते सर, बाय बाय बाय। इस उड़ान पर आपका स्वागत है सर, आपके लिए खाने में क्या लाऊं? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपकी मेहरबानी से फ्लाइट में खाने की सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला है, मैं खास आपके लिए आज आया हूँ सर। वेलकम सर। तुम भी यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वेलकम सर, मैं आपके इस फ्लाइट का पायलट हूँ, आज ये फ्लाइट में उड़ाने वाला हूँ और हम बहुत ऊपर जाएंगे सर। लेकिन लेकिन ऊपर जाकर नीचे भी आना है। अरे मुझे मरना नहीं है, तुम्हें ठीक से प्लेन उड़ाना भी नहीं आता। मुझे? तुम्हारी पहले से कंप्लेन भी आ चुकी है। नो सर, सर आज मैं ठीक उड़ाऊंगा, आपका मुझ पर उपकार है, आपने मुझे लाइसेंस दिया और नौकरी पर रखवाया सर। नहीं नहीं, मुझे नहीं बैठना है, मुझे उतर जाना है, मुझे जाने दो। सर दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, आप सही से पहुँचेंगे, हम यू उड़े और यू उतरे। नहीं नहीं, मैं नहीं मरना चाहता, मैं तो एक नेता हूँ, इस देश का रखवाला हूँ। हाँ सर, आपका सूप आपको जरूर पसंद आएगा। नहीं 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 चाहिए सूप, मैं कहाँ फंस गया सर। प्लीज थोड़ा लीजिए, मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है, प्लीज लीजिए। हम कितना गंदा है, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। नहीं नहीं, इन लोगों को लाइसेंस देकर मैंने बड़ी गलती कर दी। बिम्बा 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 बिम्बा
कैंसा, देखा मैंने आज कैसे मस्का की टेरोप्लेन को उड़ाया और लैंड किया। व्हाट से सा? मस्का? इसको मस्का कहते हो? डॉक्टर, मुझे डॉक्टर चाहिए। डॉक्टर, डॉक्टर। अरे नहीं, तुम भी। वेलकम सर जी, वेलकम। आप ही की वजह से मैं आज डॉक्टर हूँ। ओ नो, आप टेंशन में लग रहे हैं। अरे मैं हूँ ना सर, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा जी। नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओ सर, रुको सर, इलाज तो करवा के जाओ। ओहो, आज पूरे दिन में एक ही पेशेंट था और वो भी भाग गया। हे भगवान, आज मेरी गलती मुझे ही भारी पड़ गई। दूसरी बार ऐसी नकली सर्टिफिकेट और लाइसेंस किसी को भी नहीं दूंगा। आज मैं तो बच गया, लेकिन कल मेरे परिवार को ऐसा कोई मिल गया तो ना बाबा ना, कभी नहीं, कभी नहीं। मोटू देखा, लोभ के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी। ईमानदार बनो, नहीं तो आपके लोभ और गलत कामों का शिकार आपका परिवार भी हो सकता है। दोस्तों याद रखना, जरूरतें पूरी करो पर लोभी मत बनो।